हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे, ठीक है? एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है? गडकरी यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर मेरे यूवर्स के लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, लव अबाउंट्स, इस वक्त मेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर के लिए, इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, टीच बैलेंस। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 2-4 दिनों में क्या हो सकता है, अगले 2-4 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले दो चार दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 2-4 दिन। ओके, अगर इस वक्त मेरे यूवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं, इस वक्त कुछ भी बात करना चाहेंगे, अगर इस वक्त मेरे यूवर्स इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। ओके, बॉटम है यहाँ पे फीलिंग अलोन, तो आप दोनों तो एक दूसरे के बिना खुश हो ही नहीं, दोनों के अंदर अकेलापन है क्योंकि बॉटम में फीलिंग अलोन है, ठीक है? नंबर 555111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, नंबर 519-18-12-6-14 आपके आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, ठीक है? तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपके आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है? अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहेंगे तो ये सबसे पहले आपको यही बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पता आपके रिश्ते में। देखिए, आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको अपनाना भी चाहते हैं, इवन किसी से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, किसी के जरिए आपको कुछ मैसेज सेंड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रही है पर्सन इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करने के लिए, आपके साथ रीयूनियन करने के लिए, लेकिन इस पर्सन से कुछ हो नहीं पा रहा, इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इस पर्सन के होप्स टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन करंट में आपको यही कहना चाहते हैं कि हार चुके हैं लोगों के सामने, थर्ड पार्टीज के सामने। अगर आप इस पर्सन से बात करना चाहोगे तो आपके माइंड में तो कुछ आ ही नहीं रहा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपका दिल भी करता है कि अभी के अभी जाऊँ, अभी के अभी मिलूँ उससे, पूछूँ आखिर क्या हुआ है तुझे, कहाँ चला गया तेरा प्यार, तू तो कुछ भी करने के लिए रेडी था मेरे लिए, लेकिन करंट में तू मुझे देख भी नहीं रहा, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ कहने का दिल कर रहा है लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो। नाइट ऑफ सोर्स, आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है, आप बार बार अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। बोलना ही क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है, आप सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, ठीक है? अगर इस वक्त की फीलिंग्स की बात करूँ आपकी, तो आप इस रिश्ते में दिल से बैलेंस चाहते हो, आपका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है, आप चाहते हो कि ये पर्सन सच्चे दिल से आपके लिए एफर्ट्स लगाए कि इस रिश्ते को ठीक करे, जो भी आप दोनों में हुआ है भला बुरा, फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से, मम्मी पापा की वजह से, आपको लगता है कि ये पर्सन सब कुछ भूल कर आपकी तरफ कदम बढ़ाए, आपको अपनाए, लेकिन जैसे मैंने बोला ये पर्सन अपने होप्स खो चुके हैं। करंट एनर्जीज में हो सकता है कि आपको ऐसे विजन्स भी आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसे डरावने ड्रीम्स भी आ रहे हैं जिसमें कि आपके पर्सन अब आपसे दूर जा रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आप जो कि शायद जैसे आपके पर्सन किसी से बात कर रहे हैं आपको लेकर, आप भी किसी से बात कर रहे हो अपनी लव लाइफ के बारे में, या तो आपके दोस्त भी हो सकते हैं कोई, ठीक है, या तो आपके घर वाले जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, और आप उनको चाह रहे हो कि आप इनको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं इस रिश्ते में सब सही होगा, चेंज आएगा, मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ज़्यादा टाइम तक मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, वो आएगा। इवन कोई है जो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत कर रहा है, नहीं उसको कोई चीट कर रहा है, आप लड़की हो, आपकी कोई लड़की दोस्त है, उनका बॉयफ्रेंड शायद उनको चीट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेशंस आपको भी मिल रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को संभालने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको जैसे कि बताने की कोशिश कर रहे हो कि देख ऐसा ऐसा है, अगर तू ऐसा करेगी तो तुझे धोखा मिल सकता है। आपने इस लव लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस आया है ना, आप 100% किसी से शेयर कर रहे हो, किसी को ना मतलब बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो,
और अगर कोई है जो आपको डिस्ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप इनको बता रहे हो कि नहीं नहीं आपका पर्सन ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्दी सब कुछ सही करेगा। ठीक है, आप दिल से इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, यूनिवर्स से दिल से प्रे कर रहे हो, ठीक है, इस पर्सन से कम्युनिकेशन का इंतजार आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स है इस वक्त की, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है और आपको लेकर पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके होप्स टूट रहे हैं, आपसे दूर है लेकिन आपको भूले नहीं हैं, कंप्लीट आपके ऊपर नज़र है, इवन आपके साथ ये ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और ये जैसे कि सीख है यहाँ पे, कहीं पे ऐसी जगह पर बैठकर सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में वो हीलिंग कैसे कर सकते हैं, इस रिश्ते में वो फ्रेश स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आपकी कुछ कंडीशंस है इस रिश्ते में, उस रिश्ते उन कंडीशंस को कैसे मान सकते हैं। ठीक है, कोई है जैसे मैंने बोला, कोई थर्ड पार्टीज है आपके पर्सन के अंदर, जो प्यार है आपके लिए इन थर्ड पार्टीज को दिखाई दे रहा है, और ये थर्ड पार्टी कभी भी आपके पर्सन को आपकी तरफ आने ही नहीं देगी। ठीक है, ये बहुत कुछ बता रही है उनको, ऐसा वैसा गलत सलत, आपसे दूर जाकर इनको जितने फायदे होंगे वो गिनाए जा रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी है उससे इनको कितने फायदे होंगे ये बताया जा रहे हैं। आपके पर्सन का दिल बहुत टूट रहा है इस वक्त, क्योंकि आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, चाहे कोई कितना भी इनको कितना भी भड़काए लेकिन ये पर्सन आपसे नफरत नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको करंट में इग्नोरेंस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले एनर्जीज दे रहे हैं, लेकिन डीप डीप सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं इस रिश्ते में फिर से रिस्टार्ट का। 100% ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, लेकिन करंट में आपको बताकर दिखाएंगे नहीं। ठीक है, डायरेक्टली कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको भी फील हो कि यस, ये पर्सन ने जो आज तक कहा था वो सही था, और जो करंट में वो बिहेवियर दे रहा है आपको रूड वाला, वो जो कि उसका सिर्फ दिखावा है, आपके पर्सन ये प्रूफ करना चाहते हैं, और जिसके कुछ प्लानिंग करंट में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगले 2-4 दिनों की बात करूँ तो आपके पर्सन की नज़र आपके ऊपर कंप्लीट रहेगी, ऑब्जर्वेशन का कार्ड है यहाँ पे, ये आपको देखेंगे, स्टॉक करेंगे, जैसे कि करंट में भी कर रहे हैं, अगले 2-4-5 दिनों तक भी ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, और ये आपको बहुत खुश देख पाएंगे, मतलब कि इनको इस हद तक महसूस होगा कि आप इनको भूल गए हो, इनके नफरत ने, इनके रूड बिहेवियर ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि अब आपने सच में इनसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया, इनको आप अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाई दोगे, और उतना ही ये पर्सन और ज़्यादा नाराज़गी महसूस करेंगे, डिप्रेशन महसूस करेंगे, इनको अपनी गलती तो रियलाइज़ हो चुकी है, लेकिन जो आपको मतलब एक्शन लेने में डिले करते, आपसे आपको एक्शन लेने में डिले करते, जो मन की फीलिंग से आपको बताते नहीं हैं, इसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले 2-4-5 दिनों में ये पर्सन बहुत नाराज़ रहेंगे, 2-3 रात तो ये सोएंगे भी नहीं, ओवरथिंकिंग में रात के 3-4 बजे तक ये जागेंगे पर्सन। ठीक है, और आपके रिश्ते के पास की ओवरथिंकिंग करेंगे, और दिल बहुत करेगा इस पर्सन का एक्शन लेने का, कि अभी की अभी बात करूँ, इसको रोकूँ, उसको पूछूँ कि तू कैसे मेरे बिना खुश रह सकती है, क्योंकि मैं तो तेरे बिना खुश नहीं हूँ, मैं तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, इस सिचुएशन को ठीक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं इस सिचुएशन का बेटर होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कि कोई मुझे इस नेगेटिव हालात से निकाले, लेकिन तूने तो लेकिन तू तो मेरे बिना खुश भी रह गई, तू तो मूव ऑन भी कर गई, और तूने तो किसी और को चूज भी कर लिया। कोई आपका दोस्त हो सकता है जिसके ऊपर आपके पर्सन को डाउट हो सकता है कि आपका उनके साथ करंट में अफेयर चल रहा है, जिससे आपके पर्सन को अगले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज महसूस होगी। ठीक है, और वही इनको ना दिल करेगा बहुत ज़्यादा आपको पूछने का, और पास्ट की बातें इनके दिमाग में बहुत घूमेगी, और पास्ट की नेगेटिव बातें घूमेगी। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, अगर इनका इतना दिल करेगा आपसे बात करने का, अगर इनका इतना दिल करेगा आपसे बात करने का, तो क्या ये सच में आपके लिए एक्शन ले सकते हैं? क्या ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं? चांसेस बहुत कम है, ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में ही रहेंगे, क्योंकि एक्शन लेना अभी तक इनको मतलब सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्शन कब तक ले सकते हैं मेरे यूवर्स के लिए? इनका एक्शन मेरे यूवर्स के लिए कब तक आ सकता है? एक्शन आने में कम से कम 5 दिन से भी ज़्यादा, क्योंकि 5 दिन में तो आ ही नहीं रहा है, 5 दिन से भी ज़्यादा 5 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों को 5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ, थर्ड पार्टीज के कंट्रोल में है, और थर्ड पार्टी इश्यूज इतना जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला आपके रिश्ते का। ये पर्सन को बहुत रिग्रेट है इन थर्ड पार्टी से भी, अपने बिहेवियर से भी, और आपको ठुकराने से भी। ठीक है, गार्ड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में क्या इनके रिश्ते का फ्यूचर में रियूनियन होने वाला है? अगर डिले भी हो रहा है तो क्या इनका रियूनियन हो सकता है फ्यूचर में?
क्या इनका रियूनियन हो सकता है फ्यूचर में। यहाँ पे दो फाइल्स रखती हूँ, ठीक है, क्या आपका रियूनियन सच में होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हम दो फाइल्स रख लेते हैं, ठीक है, आप चूज करो, आपको पता चल जाएगा, फाइल नंबर वन फाइल नंबर टू आप चूज करो, पता चलेगा आपको कि आपका रियूनियन सच में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और 10 सेकंड्स के लिए मैं रुक जाती हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर वन चुना है, क्या आप लोगों का सच में रियूनियन होगा इस रिश्ते में? 100% होगा। फाइल नंबर टू, क्या आपका रियूनियन होगा इस रिश्ते में? चांसेस बहुत कम है, 90% तो नहीं है, 10% अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यस, हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर नेगेटिव आया है, अगर आपने फाइल नंबर बी चुना है तो नेगेटिव मत होना, क्योंकि वैसे भी आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, रिकंसिडरेशन 100% है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपका रिकंसिलेशन होगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस रिश्ते में एक और बार प्यार करने की, आपके पर्सन को अपनाने की, आपका इनका शादी का चांस 100% है, ठीक है, उस मत खोना, पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।